ठीक है। अभी हम करेंगे पूरी रिवाइज, ठीक है। तो यूजेस ऑफ एयर की बताइए आप लोग। हाँ, फिलिंग टायर्स, ब्रीथिंग, बुक नहीं है, हमें डिस्कस करनी है। आपने पढ़ाई की नहीं, की है कि नहीं पता नहीं ना, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। आप अपना दिमाग यूज करो। यूजेस ऑफ एयर, जैसे यूजेस ऑफ वाटर था ड्रिंकिंग वॉशिंग, वैसे बताया था ना आपने पिछले बार, है ना। तो इस बार आप बोलिए यूजेस ऑफ एयर किस किस के लिए यूज करते हो आप, सोच के बताओ। पहले तो सांस लेनी है, दैट इज ब्रीथिंग, है ना। यस, बोलिए आप। बुक बुक देख के नहीं बताएंगे। हाँ, आप सोच के बताओ, और मम्मी भी हेल्प नहीं करेगी। ये रिविजन है ताकि आपको समझ आए कि आपको पढ़ना है। ओके, अभी बताइए। हाँ, ड्राई ड्राई, हाँ, बबल्स फुलाने के लिए, यस, कैंडल्स, आपके बर्थडे कैंडल्स ब्लो करने के लिए, काइट फ्ला, हाँ, यस, बैलून को फूंक मारने के लिए, फिर आपकी साइकिल के टायर, हाँ हाँ, पेपर फैन को घुमाने के लिए, फिर बर्ड्स को उड़ने के लिए, और हमें सांस लेने, ब्रीथिंग ब्रीथिंग के लिए, कपड़े सुखाने के लिए, दैट इज ड्राइंग क्लोथ्स। तो वो पेज अच्छे से सीखना है बेटा, ठीक है। आप जो इंग्लिश में सीख सकते हो, जैसे आप ड्राइंग क्लोथ्स आप सीख सकते हो, तो ड्राइंग क्लोथ्स बोलना है, ब्लोइंग बैलून बोलना है। देखो, ब्लोइंग के हिसाब से तीन चीज़ें हैं, ब्लोइंग बैलून, ब्लोइंग बबल्स, ब्लोइंग कैंडल्स। तो आप ये सीख सकते हो ना, ब्लोइंग बबल्स बोलिए, ब्लोइंग कैंडल्स, ब्लोइंग बबल्स, एक है ब्लोइंग बैलून्स, फिर ब्लोइंग कैंडल्स, ब्लोइंग बबल्स। सो तीन चीज़ें आपने सीख लिया। इसके अलावा आपको बोलना है फिलिंग टायर्स, हाँ, फिर ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़े सुखाने के लिए, फिर फ्लाइंग काइट। ये सारी चीज़ें तो आपकी पसंद वाली चीज़ें ही हैं ना। तो जब आपकी मैम आपको पूछेंगे, आपको इंग्लिश में ही बोलना है, क्या है, हाँ, जब वो पूछेंगे यूजेस ऑफ एयर बताओ बच्चे, तो आपको बोलना है ब्लोइंग बैलून, ब्लोइंग बबल्स, ब्लोइंग कैंडल्स, ड्राइंग क्लोथ्स, फिलिंग टायर्स और फ्लाइंग काइट्स। एटलीस्ट इतना तो बोल दो, ठीक है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्या है, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होती है बता। हाँ, कुछ कूड़े को, हाँ, बर्निंग गार्बेज, हाँ, एयर पोल्यूशन किस वजह से होती है, बर्निंग स्मोक फ्रॉम बर्निंग, स्मोक फ्रॉम बर्निंग गार्बेज, सिगरेट से जो स्मोक आती है, फैक्ट्रीज से जो स्मोक आती है, फिर स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, जो रेड लाइट में कुछ लोग गाड़ी चलाते ही रहते हैं ना, तो उसमें से स्मोक जो निकलती है। और एयर पोल्यूशन चेक नहीं करवाओगे अपने गाड़ी का, तो और ख़राब हो जाएगी हमारी एयर। सो यू शुड नो यूजेस ऑफ एयर एंड एयर पोल्यूशन। अभी बताइए एयर पोल्यूशन क्या क्या है बताइए। स्मोक फ्रॉम बर्निंग गार्बेज बोलिए, हाँ, स्मोक फ्रॉम सिगरेट। बेटा आपको सिर्फ मेरे साथ बोलनी है बेटा, फिर आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। अभी बुक खोल के करना चाहते हो तो चलो मैं बोलती हूँ, बुक 6 में 89 पेज खोल लो, पेज नंबर 89, बुक 6 में। तो पहला वाला एयर पोल्यूशन ले लो पेज, और उंगली रखो। मिल गई सबको, यस मैम बताइए।
89 पेज। हाँ उंगली रखो, स्मोक फ्रॉम बर्निंग गार्बेज, देखा कूड़े को जला रहे हैं, उंगली रख के बोलो स्मोक फ्रॉम बर्निंग गार्बेज, स्मोक फ्रॉम सिगरेट, हाँ स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, स्मोक फ्रॉम, फ्रॉम क्या है ये, व्हीकल्स, स्मोक फ्रॉम बर्निंग गार्बेज, स्मोक फ्रॉम सिगरेट्स, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज और स्मोक फ्रॉम, व्हीकल्स, वेरी गुड, शाबाश। ओके नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अवर नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है, बुक 7 से है, खोल लो देख लेते हैं फिर, पेज नंबर 67। वॉट इज दिस, इंडिया इज अवर कंट्री, दिस इज इंडिया, इंडिया इज अवर कंट्री, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, ये क्या है, इसको मैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ मैप ऑफ कौन सी कंट्री, कौन सी कंट्री, ये कौन सी कंट्री है, ये पूरी इंडिया, वेरी गुड, ठीक है अगला पेज चलते हैं, व्हाट इज दिस, इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग, ये क्या है, इंडियन फ्लैग, कौन से कौन से, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ट्राई कलर, क्या बोलते हैं इसको, सैफ्रन व्हाइट एंड ग्रीन, इसीलिए तीन कलर है, इसीलिए ट्राई कलर्स भी बोलते हैं, और बीच में अशोका चक्र, इसके कितने, ये जो स्टिक्स बनाए हैं ना कितने होते हैं बोलो, 24, हाँ 24 स्टिक्स होते हैं उसमें, ओके इसको अशोका चक्र बोलते हैं, मैम पूछ सकती है कि ये क्या है, तो आपको बोलना है अशोक चक्र, और ये तीनों कलर को हम ट्राई कलर्स भी बोलते हैं, और इसीलिए सैफ्रन व्हाइट एंड ग्रीन, ठीक है अभी हम सीखेंगे हमारे बेटा, ये फ्लैग के बाद में जो है पेज नंबर 7070, ठीक है, ये है सिंबल्स, नेशनल सिंबल्स, ठीक है नेशनल सिंबल्स में वो पूछेंगे विच इज़ अवर नेशनल एनिमल, तो आप बोलेंगे बंगाल टाइगर, वैसे हाँ सो ये मैम पूछेंगी ये चित्र दिखा के ये क्या है, तो क्या बोलेंगे आप इसको, नेशनल एम्ब्लम, बोलो नेशनल एम्ब्लम, और मैम पूछ सकती व्हाट इज़ अवर नेशनल करेंसी, तो आप क्या बोलेंगे, रुपीस, 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 जब मैम पूछेंगी नेशनल करेंसी क्या है, दिखा के भी पूछ सकती है, बिना दिखा के ऐसे पूछेंगे कि नेशनल करेंसी क्या है, इंडियाज नेशनल करेंसी क्या है, तो क्या बोलेंगे आप, रुपीस, यस, चित्र दिखा के ये क्या पूछेंगे, तो आप बोलेंगे ये नेशनल एम्ब्लम है, क्या है, हाँ हमारे कॉइन्स में भी दिखती है ना, आपने देखा है कॉइन में होता है ये शेर का चित्र, तीन सिर के शेर, ओके फिर मैम पूछेंगे नेशनल एनिमल, अभी वो पूछेंगी नहीं मीन्स लाइक वो दिखा के नहीं पूछेगी, आपसे पूछेगी ऐसे, क्योंकि आपने LKG में भी पढ़ा है ना कि नेशनल एनिमल क्या है, आपको क्या बोलना है, बोलिए क्या बोलेंगे, यस नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्रूट, ना वेरी गुड, नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड कौन सी है, ओके नेशनल फ्लावर, बेटा नेशनल फ्लावर, यस नेशनल रिवर, वेरी गुड, नेशनल वाटर एनिमल,
नेशनल ट्री, बैनियन, बैनियन बनियन नहीं बैनियन, ठीक है ओके। अभी हम जाएंगे पेज नंबर 74। आर यू रेडी? अभी मैं पूछने वाली हूँ, मैम कैसे पूछ सकती है देख लो। वो पूछेंगे नेम वन फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर का नाम बताओ। ओके, नेम वन फेमस इंडियन साइंटिस्ट। यस हाँ, नहीं आप तो देख रहे हैं अभी, जब मैम पूछती है ना आपको बुक नहीं रखना है ठीक है, जब टेस्ट होती है। अभी मैं जब पूछ रही हूँ आप रख लो, कोई बात नहीं, आप तो पहचानने की कोशिश तो करो ठीक है। नेम वन फेमस फेमस एक्टर, इंडियन एक्टर ठीक है। हु इज ओके फेमस प्राइम मीन्स प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू ओके। नेक्स्ट हु इज अवर फेमस सिंगर? लता मंगेशकर ठीक है। ये नाम आपको अच्छे से याद रखनी है। अभी मैं आपको पिक्चर दिखा के पहचानने के लिए बोलूंगी, ये कौन है, हु इज दिस ठीक है। ए आर रहमान कौन है फेमस, फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हाँ। हु इज शी, ये कौन है देखो, इनका नाम बताइए। ये है सानिया मिर्जा, ये क्या करती हैं, ये फेमस, वेरी गुड टेनिस प्लेयर। ये कौन है, ये विश्वनाथन आनंद है, ये कौन कौन है फेमस, इंडियन चेस प्लेयर, वेरी गुड। हु इज दिस, हाँ ही इज फेमस इंडियन, फेमस इंडियन क्रिकेटर। ये कौन है, एम बालमुरली कृष्णा, ही इज फेमस इंडियन वोकलिस्ट ओके। ऐसे ये पेज का आप चित्र पहचानने की कोशिश करें, यहाँ पर आपको सीधा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कौन फेमस इंडियन एक्टर हैं, फेमस इंडियन सिंगर हैं ठीक है, समझे। पहचानने की कोशिश करो सारे फोटोज। आपका इतना ही है ना, आपका जीके टॉपिक्स है ना, तो आप अच्छे से सीख लेना इसको। क्या गांधी जी वो फ्रीडम